हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वॉचिंग एच डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जी, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और सीन ऐसे है, सीन ये है जनाब, कि एक समुद्रयान, एक मिशन इंडिया की तरफ से स्टार्ट होने वाला है, और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का उसको नाम, डीप स्पेस कह रहा हूँ, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन का नाम उसको दिया जा रहा है। तो जिस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो काम कर रहे हैं, उस तरह से समुद्रयान के थ्रू जो है वो ओशन की एक्सप्लोरेशन होगी। और आपको पता ही है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में ओशन गेट का नाम तो सबने सुना ही है, टाइटन सबमरीन का नाम भी सबने सुना होगा। तो आपको पता ही है कि डीप ओशन जो एक्सप्लोरेशन है कितनी ख़तरनाक है, और कौन कौन से रिस्क होते हैं। हाई प्रेशर जो है ना, ऐसा सबमर्सिबल बनाना पड़ता है जो हाई प्रेशर को सस्टेन कर ले। तो देखते हैं ये क्या है, मतलब कौन कौन सी कंपनी है इसके पीछे, और क्या ये मैन्ड मिशन होगा। देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो समुद्रयान टेक्नोलॉजी के के कुछ हवाले से है, चाहे वो एंट्री स्पेस टू डेप्थ टेक्नोलॉजी ऑफ हो, सिक्स अर्थ थाउजेंड टेक्नोलॉजी मीटर इन हो, आईटी सबमर्सिबल। हो, या ओशन ये टेक्नोलॉजी हो, मैन इस मिशन हवाले से है बात कर रहे हैं। 14 अगस्त आने वाली है, हम जी, देख है रहे हैं चली गई मुस्लिम जगहों है पे और बाजे, हम हम बाजे नए से बजाते नए हैं बाजे बनाते हैं, बड़े से बड़ा बाजा बनाते हैं। और लोगों इसकी का दिमाग बजाय खराब आपको नहीं करते लगता कि हैं। हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है? बिल्कुल ऐसे ही, अगर देखा जाए तो छोटे से बच्चे होते हैं वो 14 अगस्त पे निकलते हैं, बाजे लेके घूम रहे होते हैं, बजाय ये इसके डीप के ओशन 14 अगस्त पे मिशन हम कोई अपना कोई 2018 याद में करें हुआ या हम कोई था, नई चीज़ करें, कोई आर्ट्स नया कंटेंट लेके आर्ट हैं, वो लोगों को करोड़ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ऐसे ही तो मेरे ख्याल में इसकी बजाय हमें कोई नई चीज़ बनाने की तरफ, कोई नई बिलियन एप्लीकेशन, डॉलर्स या अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी तो की तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी, या अगर हर्षवर्धन, फ्रीलांसिंग का कोई प्लेटफॉर्म हमारे हमारे मुल्क में जिसकी बिल्कुल ही नहीं है, ऊपर से ये टैक्स लगा चुके हैं फ्रीलांसिंग पे, ठीक है, ऐसे 30% टैक्स लग चुका है। तो अगर उसके वाले से बात करें तो उसका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे फ्रीलांसर्स आए। अपना प्लेटफॉर्म तो दूर की बात, हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल एप्स ही नहीं है, जैसे पेपाल की बात बिल्कुल करें, ऐसे वो भाई चीज़ पेपाल ही नहीं है वो तो चीज़ फ्रीलांसर जो अभी है वो आपने क्या सुना करें। होगा कि नेबर कंट्री ने चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, जी बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। अभी अब उससे आगे खबर आई है कि वो समुद्रयान भी लॉन्च कर रहे हैं जो ओशन में जाएगी, जो 500 मीटर तकरीबन नीचे जाएगी। क्या वजह समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं? कभी सिक्स चंद्रयान थाउजेंड तो मीटर कभी इज ऑलमोस्ट समुद्रयान, कभी सिक्स आईटी में, किलोमीटर वो जैसे आपने बोला कि मतलब हमें आईटी पे वर्क कर। बिल्कुल ऐसे, क्या अगर अलग ही पब्लिक दुनिया ओपिनियन की होगी बात नीचे करें तो ना। उन्होंने जब कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हम इधर मजाक बना रहे थे उन लोगों ऐसे का, ही है, कि रिएक्शन ऑफ मून वाज फैंटास्टिक, या इस तरह के हम उस तरह उनके ऐसे ही। मजाक बना और रहे थे, सिर्फ लेकिन पब्लिक वो नहीं, लोग रुके नहीं है। आपने बोला पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक नहीं, हमारे मिनिस्टर्स पॉलिटिशियन, भी हमारे थे। ओके, तो ये शुएब भाई निकले हुए थे सड़क पे, रोड पे, और लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, और इन्होंने फिर बाकी जो लोकल पब्लिक थी उसको बताया कि समुद्रयान, और उसके थ्रू हमें भी पता लगा कि समुद्रयान कोई मिशन जो है ना लॉन्च हो रहा है, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई हम अभी तक अपने प्लेनेट को सही से नहीं समझ सके, अपने सोलर सिस्टम या आप कह लें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को तो क्या ही समझेंगे। और कहा ये जाते जी कि जिस तरह से यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमें जो है ना एक ह्यूमैनिटी को एक इंटर प्लानिटरी जो है ना प्लानिटरी स्पीशी में कन्वर्ट करने, बात ये है सॉरी, कि हम यहीं पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाए, लेकिन अब वो इतना रिएक्शन, चैन रिएक्शन शुरू हो गया कि हो नहीं सकती। तो लोग जो है वो मून के ऊपर स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, मून पे सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, मार्स पे सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, और मार्स की टेराफॉर्मिंग की बात की जा रही है। इसी तरह टाइटन जो है, जुपिटर का, उसकी एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। तो दुनिया कहाँ चली गई, और हम लड़ रहे होते हैं चांद नज़र आया कि नहीं। और आप देखें ना, ओशन के अंदर ऐसे ऐसे रास छुपे हुए हैं कि वो अब ओशन की एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, और हम बाजे बजाते नहीं थकते, हम सबसे लंबा झंडा लगाते नहीं थकते। कहाँ क्या है, ना ना मिशन है, ना विजन है, बस एक ही काम है, खाना है और फटना है, खाना है और फटना है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, इंटरेस्टिंग होगा इसके रिजल्ट्स देखना, और अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ सजेस्ट कीजिएगा। See you guys.